नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक स्मार्ट। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रत्याशी ही नहीं, बूथ अध्यक्ष भी आमने सामने। लोकसभा चुनाव के महासमर में प्रत्याशी ही नहीं, बूथ अध्यक्ष भी आमने सामने हैं। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर 3,195 बूथ बनाए गए हैं। एक बूथ पर लगभग 1,000 मतदाता आते हैं, यानी कि 1,000 मतदाताओं को साधने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर बूथ अध्यक्षों को प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा दी गई है। ऐसे में पार्टी अपनी पकड़ मजबूत बनाने को सभी दलों के बूथ अध्यक्ष अपनी टीम के साथ एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इंटरनेट, मीडिया, मोबाइल के साथ ही घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। अध्यक्षों के कार्यों की भी की जाएगी समीक्षा। भाजपा ने बूथ अध्यक्षों को प्रत्येक बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य दिया है। इसी तरह कांग्रेस, सपा और बसपा ने भी बूथ अध्यक्षों को मतदान बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी है। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के साथ ही बूथ अध्यक्षों के कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। जो बूथ अध्यक्ष बेहतर कार्य करेगा उसको संगठन की ओर से सम्मानित करने का कार्य किया जाएगा। संगठन में पदोन्नति भी की जा सकती है। इसी तरह बसपा ने भी प्रत्येक बूथ अध्यक्षों को बूथ पर मतदाताओं से संपर्क करने और चुनाव में बसपा के मुद्दों से अवगत कराने के लिए कहा है, जिससे कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जा सके। कांग्रेस की ओर से भी लगातार बूथ अध्यक्षों के साथ बैठकें की जा रही हैं, उनको सक्रिय किया गया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।